गई हूँ और एक मीशो हॉल लेके। इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीशो साड़ी हॉल। मैंने मीशो से कुछ ट्रेंडी साड़ीज मंगवाई, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड आप लोगों को बताऊंगी कि साड़ीज के क्वालिटी एंड एवरीथिंग कैसे है एंड आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। तो फर्स्ट है ये मेरून कलर के सीक्वेंस साड़ी। मैं स्क्रीन पे कहीं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। सो पल्लू से स्टार्ट करते हैं। पल्लू कुछ इस तरीके से है एंड पल्लू के एंड्स पर कुछ इस तरीके से थ्रेड का वर्क किया हुआ है। पूरे पल्लू पे गोल्डन कलर के थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है जिसके लिए ये साड़ी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे है। पल्लू को छोड़ के पूरे साड़ी में नीचे सेम वर्क किया हुआ है, ऊपर प्लेन है एंड नीचे सेम सीक्वेंस एंड थ्रेड का वर्क किया हुआ है। साड़ी का एंड कुछ इस तरीके से प्लेन है। साड़ी का लेंथ है 5.5 मीटर एंड साड़ी के साथ आपको अटैच्ड अनस्टिचेड ब्लाउज पीस मिल जाता है। ये है ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस भी सेम वैसे ही है जैसे पिक्चर में दिखाए गए थे, लेकिन जो बॉर्डर दिया हुआ था वो इस पे नहीं है। अदरवाइज ब्लाउज पीस पर भी सेम वर्क किया हुआ है। ब्लाउज पीस भी बहुत खूबसूरत है। मुझे डीप कलर्स बहुत पसंद है इसीलिए मैंने इस कलर को ली। साड़ी एंड ब्लाउज पीस का फैब्रिक जॉर्जेट में है। साड़ी लाइट वेट है एंड पहनने पे भी कम्फर्टेबल है। मैं पहन के भी दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसे लगते है। एंड ये साड़ी मैंने ली 988 रुपीज में। नेक्स्ट है ये पर्पल कलर की साड़ी। ये साड़ी अभी बहुत ट्रेंड पर है। सो पल्लू कुछ इस तरीके से है, पल्लू के एंड कुछ इस तरीके से है एंड पूरे पल्लू पे एंड पूरे साड़ी पे कुछ इस तरीके से फॉल्स मिरर वर्क किया हुआ है। साड़ी का एंड कुछ इस तरीके से प्लेन है एंड इस साड़ी का लेंथ 5.5 मीटर है एंड इसके साथ आपको अनस्टिचेड ब्लाउज पीस मिल जाते हैं। ब्लाउज पीस का लेंथ 0.8 मीटर है। ब्लाउज जैसे पिक्चर में दिखाए गए थे बिल्कुल वैसे ही है। ब्लाउज बहुत खूबसूरत है। ब्लाउज पीस के फ्रंट पर सेम मिरर वर्क किया हुआ है एंड बैक साइड कुछ इस तरीके से प्लेन है। इस साड़ी पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक ब्लैक, ब्राउन, येलो, ब्लू और भी बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है इसीलिए मैंने ये पर्पल कलर के लिए। ये साड़ी एंड ब्लाउज पीस सिल्क फैब्रिक में है, वहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन इन रियल ये जॉर्जेट फैब्रिक में है। साड़ी ज्यादा हैवी नहीं है, काफी लाइट वेट है तो पहनने पे अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। ये साड़ी पिक्चर में जैसे दिखाए गए थे बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन पिक्चर में कलर प्रिटी सा पर्पल कलर था बट इन रियल ये डल पर्पल कलर है। आई डोंट नो कैमरा पे ये कैसे लग रहे हैं। मीशो पे पर्पल कलर के कुछ मंगवाए जाए तो वो डल पर्पल कलर के क्यों आते हैं। इससे पहले मैंने एक मीशो हील्स हॉल की थी, उसपे भी मैंने एक पर्पल कलर के हील्स मंगवाई थी, वो भी डल पर्पल कलर के आए। पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं। ओके सो ये मैंने ली 1118 रुपीज में। और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद पूरे साड़ी में थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है जिसके लिए ये साड़ी देखने में और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। पूरे साड़ी में सेम थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है एंड एंड कुछ इस तरीके से प्लेन है। इस साड़ी का भी लेंथ 5.5 मीटर है एंड इसके साथ आपको अटैच्ड अनस्टिचेड ब्लाउज पीस मिल जाते हैं। ब्लाउज पीस का लेंथ है 0.8 मीटर।
सो ब्लाउज पीस पिक्चर में जैसे दिखाया गया था सेम बिल्कुल वैसे ही है, बहुत खूबसूरत है ब्लाउज पीस। एज यू कैन सी कलरफुल थ्रेड से वर्क किया हुआ है एंड नीचे मोती लगाने के लिए मोती भी दी हुई है। स्टिच करने के बाद ये ब्लाउज पीस बहुत सुंदर लगेगा। ब्लाउज एंड साड़ी का फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक में है, सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है, तो पहनने के बाद अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। ये साड़ी बहुत लाइटवेट एंड कंफर्टेबल है और इस पे आपको और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे व्हाइट बहुत पसंद है इसलिए मैंने व्हाइट ली एंड ये मैंने ली 923 रुपीस में। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आए है बहुत। आप डेफिनेटली ये तीनों साड़ी ले सकते हो। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर एंड बाय।